सिवान शहर के कलावती मैरिज हॉल में शिवसेना का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन से पूर्व सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार हो कार्यकर्ता रैली निकाले और अपनी शक्ति प्रदर्शन किए। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश और अन्य जिलों से आए शिवसेना के प्रभारियों का माला पहना करके आगत अतिथियों का स्वागत किया गया। पूरे शहर में भगवा झंडा लहर रहा था, जगह जगह तोरण द्वार बने हुए थे जिससे शिवसेना अपनी मजबूत आगाज किया है। सिवान से अमन राज की रिपोर्ट। जिला राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन सिवान में हो रहा है और क्या कहेंगे इसके बारे में? भूमिपुत्रों की लड़ाई और प्रखर राष्ट्रवाद लेकर के आदरणीय बाला साहेब ने शिवसेना की स्थापना की थी। कालांतर में जब हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के भूमिपुत्रों की बात करते हैं, तो आज पूरे बिहार का नौजवान सबसे मेघा में आगे बढ़ते हुए भी इस बिहार का किसान, ये बिहार की उपजाऊ भूमिपुत्र होते हुए इस बिहार का नौजवान मजबूत बाहुओं में शक्ति लिए हुए भी आज बेरोजगार है। जिस तरह से भूमिपुत्रों की लड़ाई लड़ करके आदरणीय बाला साहेब ने वहाँ के भूमिपुत्रों को उनके लिए न्याय देने का काम किया था, आज उसी भूमिपुत्रों की लड़ाई को लेकर के हम सिवान की धरती पर आए हैं। प्रखर राष्ट्रवाद को लेकर के आप देखे होंगे कि जिस तरह से एक पार्टी जो 25 सालों से मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसी जुमला कह करके करोड़ों हिंदुओं के मन को दुख पहुंचा रही थी, आज शिवसेना के प्रखर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लेकर के पहले हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार, इस नारों के लेकर के हमारे 21 सांसद आज संसद भवन में सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि आपको तारीख बतानी होगी। बिहार का ही नहीं, पूरे देश का हमारी संस्कृति आराध्य देव श्री राम मंदिर बनना ही चाहिए और उस मंदिर की तारीख बतानी ही चाहिए। इस प्रखर राष्ट्रवाद को लेकर के आज हम जिला सम्मेलन कर रहे हैं। इस जिला सम्मेलन में हम बिहार के 40 लोकसभा पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसका एक अंग है सिवान, और मुझे बहुत शक्तिशाली नौजवान के रूप में बंटी पटेल जी मुझे मिले हैं और आगामी लोकसभा में हम इनके नेतृत्व में सिवान में मेरा शिवसेना का फतह होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। यह है कि शिवसेना को अपनी स्थिति दर्ज करानी है सिवान में कि इतनी मजबूत और दमदार स्थिति के साथ शिवसेना यहाँ आ गई है और लोकसभा चुनाव में लोगों के लिए ऑप्शन आ गया है। इसके लिए भाजपा और हिंदू को निराशा करने के लिए जो पार्टी है शिवसेना, हम लोग आ चुके हैं धमाकेदार। हम लोग आज क्या मुख्य रास्ता कौन कौन सा था जहाँ आज हमारा कार्यक्रम था तरवारा रोड से होते हुए यहाँ सिवान तर